साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, न्यूज अच्छी है, दो अपडेट पे बात करेंगे। मैं सोचा दोनों को एक साथ ही ऐड कर देते हैं, हालांकि दोनों न्यूज एक कल रात को आई थी, एक कल सुबह आ गई थी, दोनों को साथ में ऐड करेंगे। अच्छी न्यूज है भाई, वीजा से रिलेटेड और दुबई से आने वाले इलीगल वर्कर हैं उनसे रिलेटेड। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर दें। फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। फर्स्ट अपडेट मैं बता दूं, आपको पता है भाई जिनके वीज़ा दुबई, आपको पता लास्ट 10 अगस्त दी गई थी, जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए थे, लेकिन ये छूट उनको मिली है जिनके वीज़ा 1 मार्च के बाद। जी हां, जिनके वीज़ा 1 मार्च के बाद यानी मार्च में ख़त्म हुए थे, मार्च में, अप्रैल में, मई में, उनको दुबई सरकार ने, यूएई सरकार ने ग्रेस पीरियड देते हुए 1 मंथ आगे बढ़ा दिया गया। जी हां, आपको अगला पूरा महीना ये अगस्त आपको मिल जाएगा, सितंबर 10 तक का आपको टाइम मिल गया है कि भाई जो जितने आने वाले थे वो आ चुके हैं, बाकी जो बच गए हैं जिनका मतलब कुछ भी रीज़न की वजह से, उनको भैया 1 महीने का टाइम मिल गया, 1 महीने तक आपका फाइन नहीं लगेगा। तो ये अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए। तो अब भैया देखिए, बात कर लेते हैं जिनके वीज़ा 1 मार्च के पहले ख़त्म हुए, मार्च का मतलब जैसे फरवरी, जनवरी, दिसंबर 2019, उनका अपडेट 17 मार्च तक का है, लेकिन हो सकता है उसमें भी टाइम सरकार देते, लेकिन वो ऐन वक्त पे देगी, लगभग लोग आ जाएंगे। धड़ाधड़ जबरदस्त तरीके से प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे 4-5 हज़ार लोग मेरे हिसाब से अभी तक इलीगल वर्कर थे वो आ चुके हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे। जी हाँ साथियों, तो मैंने कल ही एक वीडियो डाला था कि इस महीने में पूरी पूरी संभावना है यूएई सरकार एमओसीए के बीच करार समझौता होने वाला है वीज़ा से रिलेटेड। जी हाँ, अभी तक ऑप्शन ये था कि जिनके पासपोर्ट में वर्क परमिट वीज़ा लगा हुआ है, रेजिडेंशियल वीज़ा लगा हुआ है, वही लोग दुबई जा पा रहे थे पासपोर्ट में स्टैम्पिंग के वाले वीज़ा। लेकिन अभी आज से, जी हाँ साथियों, 10 अगस्त से ये घोषणा हो चुकी है कि जो जिनके किसी भी तरीके के वीज़ा आपके पास हैं दुबई का, वैलिड वीज़ा, एक्सपायर वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पहले वीज़ा लिए थे वो एक्सपायर हो चुके हैं उनकी बात नहीं है, जिनके पास वर्क परमिट वीज़ा, रेजिडेंशियल वीज़ा तो पहले से ही ऑप्शन था, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, कोई भी वैलिड वीज़ा जिसमें वैलिडिटी पड़ी है, वो अभी दुबई यूएई की यात्रा कर सकते हैं, वो इंडिया से दुबई जा सकते हैं। जी हाँ, तो भैया ये अच्छी न्यूज़ है। दुबई के जो यूएई के जो राजदूत, अपने दूत हैं पवन कपूर जी, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये घोषणा की है। आप कोई भी लोग जा सकते हैं, ये ज़्यादा फायदा उनके लिए होगा जिनके मदर फादर दुबई में रह रहे हैं, उनके पास वीज़ा है, बच्चों के पास वीज़ा नहीं थे, वो टूरिस्ट वीज़ा पे थे, ई वीज़ा पे थे या फिर कोई भी वीज़ा पे थे, वो लोग दुबई नहीं जा पा रहे थे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनके मदर फादर को होगा जो दुबई में बैठे हैं, उनके बच्चे इंडिया में बैठे हैं, परेशान हो रहे थे, दोनों तरफ से सबसे ज़्यादा खुशी उनकी होगी। बाकी भाई जॉब से रिलेटेड विजिट वीज़ा में जाने वाले हैं या आपके पास कोई भी किसी तरह का वैलिड वीज़ा है, तो आप दुबई भी जा सकते हैं टिकट लेके। ये 7 अगस्त से प्रोसेस चल रहा था, 3 दिन में डिसाइड हो गया, इसका कल मैंने वीडियो पहले डाल दिया था भाई, इस महीने में पूरी संभावना, इस वीक में पूरी संभावना है वीज़ा की। तो ये दूसरे दिन आपकी अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट है। तो आप समझ चुके होंगे सीएस साथियों, दोनों अपडेट है, अच्छी अपडेट है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।